नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको भी आईफोन टू आईफोन अगर डेटा पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करना है तो आपको उसका डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपको उसका डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अभी ये फ़ोन में अभी मेरा डेटा है, तो आपको इसको अगर पूरा का पूरा ये जो डेटा है पूरा का पूरा अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले ये जो नया फ़ोन है उसको आपको रीसेट मारना है। तो सबसे पहले रीसेट कैसे मारना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको जनरल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र एंड डिटेल्स रीसेट आईफोन पे क्लिक करना है। और उसके बाद इरोज ऑल कंटेंट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देना है। और आपको यहाँ पे 00 जो भी पासवर्ड आपका रहेगा उस हिसाब से डाल के आपको इसको रीसेट कर देना है। और इसको बाद ये पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट होने के बाद आपको मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। तो आप बताओ, थोड़ा अपने को टाइम लगेगा रीसेट होने के लिए। ये पूरी की तरह से आपका ये जो फ़ोन है ये पूरा ये कंप्लीट होके ये पूरा फ़ोन रीसेट हो जाएगा। देखो जैसे कि अभी ये फ़ोन पूरा का पूरा रीसेट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे नया स्क्रीन ओपन होता हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, तो देखो जैसे कि ये फ़ोन है तो आपको यहाँ पे सेटअप फॉर न्यू आईफोन के लिए कंटिन्यू करने के लिए दिखाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। आपको यहाँ पे इसका जो ब्लूटूथ और वाईफाई है आपको इसको ऑन करके रखना है। जैसे ऑन करके रखोगे तो आपको देखो होल्ड योर न्यू आईफोन अप टू द, आपको यहाँ पे इसको स्कैन कर देना है। देखो स्कैन कर देना है, उसके बाद आपको वेट करना है। देखो कंटिन्यू टू योर अदर आईफोन, तो आपको यहाँ पे लिखना है सेटअप फॉर मी। जैसे कि आपका ये पुराने फ़ोन का पासवर्ड है तो आपको यहाँ पे पुराने फ़ोन का पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। जो भी रहेगा आप अपने हिसाब से पासवर्ड पुराने फ़ोन का जो भी रखे हुए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद थोड़ा ये टाइम लगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग अप योर आईफोन, तो ये प्रोसेस होएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपका वाईफाई अपने फ़ोन का जो पुराने फ़ोन का वाईफाई है वो अच्छे नेटवर्क के नेटवर्क को कनेक्ट करके रखना, तो कोई दिक्कत ना आ जाए इसकी वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वाईफाई थोड़ा अपना स्लो है, तो आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना ही है। देखो यहाँ पे लिखा भी है इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट योर आईफोन, तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना वेट करना ही है। तो वेट करने के बाद नया स्क्रीन आ जाएगा। जैसे कि अभी ये देख सकते हो आप, यहाँ पे नया स्क्रीन आ गया है फेस आईडी के लिए। अगर आपको फेस आईडी रखना है तो आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको फेस आईडी बाद में सेटअप करना है तो आपको यहाँ पे सेटअप लेटर आप क्लिक कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे 11 प्रो, ये एक्चुअली मैं इसके पहले 11 प्रो का लेके रखा था, इसकी वजह से यहाँ पे 11 प्रो का दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर आपका फ़ोन नया रहेगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 12 है कि कौन सा 13 है, जो भी वेरियंट आपका रहेगा तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट शो हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सिंपली इसको एग्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रीड करके आपको इसको एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो सेटिंग अप योर एप्पल आईडी, जो अपना एप्पल आईडी है वो आपका एप्पल आईडी यहाँ पे सेटिंग कर सेटअप कर रहा है। तो आपको उसके लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हो ही रहा है अपना जो एप्पल आईडी है वो, जैसे कि एप्पल आईडी है पूरा सेटअप होने के बाद आपको फिर से और स्क्रीन आ जाएगा। जैसे ही आपका एप्पल आईडी सेटअप हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे देखो मेक दिस योर न्यू आईफोन, तो आपका नया आईफोन के लिए आपको पूछ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको थोड़ा सा फिर से वेट करना है। देखो यहाँ पे हो रहा था, तो उसके बाद इमरजेंसी आपको इसको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपको देखो ट्रांसफ़र इन डेटा फ्रॉम आईफोन 11 प्रो, जैसे कि यहाँ पे ये फ़ोन से आपका ये पूरा फ़ोन पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखो टाइम रिमेनिंग आपको यहाँ पे एस्टिमेटिंग बता रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम दिखाएगा आपको कि कितना टाइम लग सकता है। और आपके उसके बाद ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा अपना जो फ़ोन है ये फ़ोन का डेटा पूरा ये फ़ोन में चला जाएगा। जैसे कि ये आईफोन 12 का जो 12 है और ये आईफोन 14 प्लस है, तो ये पूरा का पूरा डेटा अपना जो 12 का डेटा ए टू जेड डेटा अपने 14 प्लस के अंदर चला जाएगा। तो आपको उसके लिए देखो यहाँ पे आप वो टाइम्स आपको बढ़ते जा रहा है, जितना अपना डेटा रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम शो होगा। इस तरह से आप अपने आईफोन का पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, अगर सब्सक्राइब करना भूलना मत।